हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का जो पार्ट नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। हमने सीखा था नरयुग्मक और प्राकरण की संरचना के बारे में पिछले वीडियो के अंदर। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, कैसे नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जो लघु बीजाणु जो होता है वो क्या होता है, नरयुग्मकोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है इसमें गाढ़ा जीव द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है। चतुष्को होते हैं, वो पृथक होते हैं, इनका आकार तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा जो कोशिका द्रव्य होता है एक पतली परिधीय झिल्ली के रूप में, पतली परिधि के रूप में दिखाई हमको देता है। इसके अलावा कई इसमें रसदानियाँ उत्पन्न हो जाती है। नरयुग्मकोद्भिद के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं, वो प्रागकण क्रिया से कुछ तो पहले और कुछ प्रागकण क्रिया के बाद में संपन्न होती है। प्रागकण से पूर्व जो लघु बीजाणु का केंद्रक होता है वो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के एक बड़ी कायिक केंद्रिका, दो एक मतलब इसके अंदर क्या कर लेते हैं कि जो नियम बनते हैं, इसके जो संरचनाएं बनती है वो एक तो बनाती है कायिक केंद्रक का, कायिक केंद्रक बनाती है, और एक बनाती है जनन केंद्रक। दो प्रकार की संरचनाएं बनाती है, कायिक केंद्रक और छोटा जो छिद्र होता है वो जनन केंद्रक का होता है। दोनों केंद्रकों में मध्यवित्ती निर्माण से मध्यवित्ती का निर्माण हो जाता है, जिससे एक बड़ी कायिक कोशिका और जो छोटी जनन कोशिका का निर्माण होता है। एक तो बड़ी कायिक कोशिका केंद्रक से क्या बन जाती है, बड़ी कायिक कोशिका बन जाती है, और जनन केंद्रक से जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है। प्रारंभ में जो जनन कोशिका होती है वो प्रागण की भित्ति से संलग्न रहती है, प्रागण की भित्ति से जुड़ी हुई रहती है। फिर अपनी भित्ति का निर्माण पूरा होने के बाद में वो क्या करती है, प्रागण की भित्ति से क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, और फिर वो चपटे आकार की हो जाती है। जैसे ये संरचना है, इसमें ये एक प्राग नलिका है, यहाँ पर ये जनन केंद्रक होता है, यहाँ पर ये कायिक केंद्रक होता है। प्राकण की भित्ति से पृथक होने के बाद ये प्राकण की भित्ति से क्या हो जाता है, जनन केंद्रक पृथक हो जाता है। उसे पृथक होने के बाद में जनन कोशिका का आकार चपटा हो जाता है। जनन कोशिका का आकार क्या हो जाता है, इस जनन कोशिका का आकार चपटा हो जाता है, और उसका आकार कैसा हो जाता है, मसूराकार तर्कुरूपी हो जाता है। अब इसमें सबसे पहले हम कायिक कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कायिक कोशिका का आकार जनन कोशिका के आकार से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ये कायिक कोशिका का निर्माण होता है, ये कायिक कोशिका, ये जनन कोशिका, तो कायिक कोशिका का आकार इस जनन कोशिका से थोड़ा बड़ा होता है। इसका केंद्र प्रारंभ में तो गोल होता है, बाद में अनियमित आकार का थोड़ा हो जाता है एमीबीय गति के अनुसार। विभिन्न कोशिकांगों के आकार और संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसमें कोशिकांगों की संख्या और उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन भी पर्याप्त मात्रा में इसमें मिल जाते हैं, रसदानियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इसके अलावा कोशिका जो कायिक कोशिका है वो संभवतः अंकुरण के पश्चात प्राग नलिका का निर्माण करते हैं, अंकुरण के पश्चात प्राग नलिका का निर्माण करते हैं। यद्यपि इस तथ्य की सुनिश्चितता नहीं की जा सकती कि हम इसमें किस प्रकार से कायिक कोशिका का निर्माण हो, पूरी तरह से इस तथ्य को समझा नहीं जा सकता है। दूसरा जो आता है वो जनन कोशिका आती है। जनन कोशिका प्रारंभिक अवस्था में लेंस के आकार की होती है, थोड़ी लंबी गोल ना होकर के दीर्घवृत्ताकार की होती है, परंतु प्राकोष की जब भित्ति से जैसे ही वो पृथक होती है तो पृथक होने के पश्चात वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ऐसे गोल हो जाती है प्राकोष की भित्ति से अलग होने के बाद। और जो विकास की विभिन्न अवस्थाओं से जब ये गुजरती है तो इसकी आकृति हमेशा क्या होती रहती है, धीरे धीरे बदलती रहती है। सामान्यतः ये लंबी होकर के पहले लंबी पतली हो जाती है, फिर क्या हो जाती है, एक कृमि के समान बिल्कुल लंबी कृमि रूपी दिखाई देती है। इसका लंबा जो का आकार है वो इस प्राग नलिका के अंदर इसकी गति को सरल बना देता है, इजी बना देता है। जनन कोशिका में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इस जनन कोशिका के अंदर कोशिकांगों की भरमार होती है और कोशिका द्रव्य लेकिन थोड़ा कम होता है। दोनों कोशिकाएं जो होती है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका, वो उसमें केंद्रकों में क्या बनता है, डीएनए बनता है। डीएनए की मात्रा समान बनती है लेकिन आरएनए की मात्रा जो होती है वो अलग अलग होती है। कोशिका द्रव्य की अधिकता के कारण कायिक कोशिका में आरएनए की मात्रा जनन कोशिका से थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य जनन कायिक कोशिका में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है नर युग्मकों का निर्माण।
नर युग्मकों का जो निर्माण है वो आता है। नर युग्मकों का निर्माण किससे होता है? जनक कोशिका, जो हमने पढ़ी उससे जनक कोशिका से निर्माण होता है नर युग्मक। कुछ पादपों में जनन कोशिका का सूत्री विभाजन होता है और सूत्री विभाजन के तुरंत पश्चात अंकुरण की क्रिया से पूर्व ही परागण में ही हो जाता है सूत्री विभाजन, परागण की क्रिया में ही हो जाता है। जैसे उदाहरण इसमें कुल्फा वगैरह बाटी वगैरह दे रखा है। लेकिन अधिकांश पादपों में ये क्रिया जो होती है परागण के अंकुरण के पश्चात होती है, बाद में होती है परागनलिका के अंदर। परागण के पश्चात, परागण परागण के पश्चात प्राग कण के अंकुरण, परागण की क्रिया यानी अदला बदली होना, वो प्राग कण के अंकुरण के पश्चात जो प्राग नलिका बनती है उसमें जब वर्तिका में नीचे की ओर ये वृद्धि करता है उस समय जनन कोशिका प्राग कण से जनन नलिका में चली जाती है। जो जनन कोशिका होती है वो प्राग नलिका से या प्राग कण से कहाँ चली जाती है, जनन नलिका में आ जाती है। यहाँ पर इसका सूत्री विभाजन होता है, विभाजन होगा और विभाजन होने के पश्चात इससे क्या बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी। ये दोनों नर युग्मकों के रूप में कार्य करते हैं, नर युग्मकों के रूप में कार्य करती है दोनों कोशिकाएं और धीरे धीरे क्या करती है, प्राग नलिका में आगे बढ़ते हुए, प्राग नलिका जो हमने बनाई थी प्राग नलिका लंबी वाली, उस प्राग नलिका में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बीजाणु में प्रवेश कर जाते हैं। बीजाणु से जाकर के क्या हो जाते हैं, निश्चित कर हो जाते हैं। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक होता है अथवा अचल होता है, एकसाभिक होता है, इसके अलावा अगुणित और एकेंद्रिक होता है। अधिकांश एंजियोस्पर्मों में नर युग्मकों का निर्माण, अधिकांश एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें नर युग्मकों का निर्माण प्राग नलिका में ही होता है, प्राग नलिका के अंदर ही नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जो नर युग्मकों का टॉपिक है कि नर युग्मकों का निर्माण कैसा होता है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद में हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और उसका परिवर्धन, कैसे बदलाव आता है, कैसे इसकी संरचना बनी रहती है। तो सबसे पहले अंडक और गुरु बीजाणु, अंडक और गुरु बीजाणु। आवर्तबीजी पादप के पुष्प में क्या होता है, मादा जननांग को जायांग कहते हैं। जो मादा जननांग होता है उसको हम क्या कहते हैं, जायांग। मुख्य जो मादा जननांग होता है उसको जायांग कहते हैं। जायांग का निर्माण होता है वो एक या एक से अधिक अंडपों से होता है, एक या एक से अधिक अंडपों से होता है। अंडक बीजाणु धारण करने वाले रूपांतरित परण होती है, अंडक जो होते हैं वो बीजाणु को धारण करने वाली रूपांतरित परण होती है, जिसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्व। उस अंडक को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्व, पर्णों में ये रूपांतरित रहती है पर्ण। इसके बाद में अंडकों की संख्या इसमें एक या एक से अधिक भी हो सकती है। यदि एक है और वो संयुक्त है, एक से अधिक पर पृथक है तो व्युत्पादी, और संयुक्त है जुड़े हुए हैं तो युक्तांडपी हो सकते हैं। अंडप एक फ्लास्क नुमा होते हैं, फ्लास्क नुमा ऐसे फ्लास्क नुमा संरचना होती है जिसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया फ्लास्क नुमा ऐसे होता है, जिसको एक को तो कहते हैं अंडाशय, एक तो होता है अंडाशय, इसके अलावा एक होता है वर्तिकाग्र और एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिका, ये तीन भागों से मिलकर के ये अंडप बना होता है। अंडाशय जायांग का जो आधार ये फूला हुआ भाग होता है, जायांग का जो फूला हुआ भाग होता है आधार वाला वो होता है अंडाशय। इसके भीतर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं, ऐसी ऐसी अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती है जिनको हम कहते हैं क्या, बीजांड, क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसके अलावा बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, इस बीजांड को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। प्रत्येक बीजांड एक वृत्तनुमा, प्रत्येक जो बीजांड है अंदर वाले वो एक वृत्तनुमा संरचना द्वारा अंडाशय की भित्ति से, अंडाशय की जो ये भीतरी भित्ति है ये वाली, इसकी भीतरी भित्ति से क्या रहते हैं, एक वृत्तनुमा भाग से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, बीजांडासन से जुड़ा रहता है। उस आंतरिक भित्ति को क्या कहते हैं, बीजांडासन, उससे वो जुड़े रहते हैं। इस वृत्तनुमा संरचना को कहते हैं बीजांड वृत्त, जिनसे ये जुड़े हुए रहते हैं उस संरचना को हम कहते हैं बीजांड वृत्त, बीजांड वृत्त कहा जाता है। बीजांड वृत्त बीजांड से जिस स्थल से ये जुड़ा रहता है उसे नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंद, बीजांड से जो भाग, जैसे मान लीजिए ये बीजांड है, ये इसकी भित्ति है, इसमें ये जो भाग आ गया ये वाला, तो ये जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है तो वो तो बीजांड वृंद हो गया, और बीजांड वृंद इससे जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, नाभिक, नाभिका कहते हैं। कभी कभी नाभिका जो होती है बीजांड वृंद के जुड़ने के स्थल पर एक उभारनुमा संरचना बना देती है, ऐसे ऐसे जो उभारनुमा संरचना बना देती है उसको हम कहते हैं रेफी, क्या कहते हैं, रेफी कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो था वर्तिका, वर्तिका जो होता है अंडाशय के ठीक ऊपर ऐसे, ये जो है ये वर्तिका है, वर्तिका
अंडाशय के ऊपर का नलिकाकार जो भाग होता है वो वर्तिका कहलाता है। ये प्राग नलिका को पथ प्रदान करता है, मार्ग बताता है, मार्ग प्रदान करता है। वर्तिका के शीर्ष भाग पर जो वर्तिकाग्र होता है, शीर्ष भाग पर ये वाला शीर्ष भाग पर जो वर्तिकाग्र होता है वो प्रागण के समय, प्रागण की जो क्रिया होती है उस समय क्या करता है, ये प्राग कणों को जो पुंकेसर से प्राग कण आते हैं उनको ग्रहण करता है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बीजांड की संरचना। बीजांड बीजांड की संरचना, अब बीजांड की संरचना के लिए आवर्तबीजी पादपों में बीजांड की संरचना थोड़ी क्या होती है, जटिल होती है। आवर्तबीजी पादपों में जो जटिल संरचना होती है वो ऐसी होती है। आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो बीजांड की संरचना होती है वो थोड़ी जटिल होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो परिपक्व बीजांड होता है वो लगभग गोलाकार होता है, जिसका जो मुख्य भाग होता है ये वाला बीजांड वाला वो मर्दोत्तकीय कोशिकाओं का बना होता है, इस जिसे क्या कहते हैं बीजांडकाय। ये पूरा जो मुख्य भाग होता है वो बीजांडकाय होता है जो मर्दोत्तकीय कोशिकाओं का बना होता है। ये प्राय एक या द्विस्तरीय, या तो एक स्तर का होगा या द्विस्तरीय का होगा, चारों ओर से घिरा रहता है। और द्विस्तरीय को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। इस द्विस्तरीय आवरण को क्या कहते हैं, अध्यावरण कहा जाता है। बाहरी आवरण, जो बाहरी आवरण होता है उसको बाह्य अध्यावरण, और जो आंतरिक आवरण होता है बाह्य को तो बाह्य अध्यावरण, आंतरिक को अंत अध्यावरण कहा जाता है। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर, कि ये अध्यावरण कितने संख्या में, उसके आधार पर ये द्विअध्यारणीय हो सकता है, एक अध्यारणीय हो सकता है, यानी जिनमें दो हो तो दो, एक है तो एक, और नहीं है अध्यावरण नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यारणीय बोलेंगे। अध्यावरण बीजांड काय को पूर्ण रूप से क्या रहता है, ढकता नहीं है, वरन इसका कुछ भाग एक पतली नलिका के रूप में, ऐसे पतली नलिका के रूप में नली जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार। क्या कहते हैं इसको, एक पतली नलिका के रूप में निकलता है, ऐसे पूर्व को नहीं ढकता, उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड काय का आधारीय भाग निभाग कहलाता है, आधारी भाग जो होता है वो निभाग कहलाता है, इस पे आधार वाला भाग, और ये पूरा जो ढकता नहीं है लंबी नलिका का संरचना बनता है उसको बीजांड द्वार कहते हैं। और जो आधारी भाग होता है उसको हम कहते हैं निभाग। ये यहाँ पर निभाग होगा, यहाँ पर क्या होगा, बीजांड द्वार। निभाग से अध्यावरण जो बनते हैं, निभाग से जो आवरण बन रहे हैं, अध्यावरण जो बन रहे हैं, उस अध्यावरण की उत्पत्ति भ्रूण कोष, जो ये वाली भ्रूण कोष है, उस भ्रूण कोष से में पाया जाता है। भ्रूण कोष में क्या होता है, बीजांड द्वार छोर की तरफ से, जो बीजांड द्वार है उसकी छोर की तरफ से तीन कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं अंड समुचय। तीन कोशिकाओं के ये समूह आ जाते हैं, ऐसे ऐसे ही तीन कोशिकाओं के समूह आ जाते हैं, उसको कहते हैं अंड समुचय। अंडकों के समुचय या समूह मान लीजिए। इसमें नाशपति आकार की कोशिका, अंड कोशिका, नाशपति आकार की कोशिका यहाँ पर पाई जाती है, जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं। और तथा शेष दो पार्श्व दाएं बाएं जो होती है, बीच वाली तो क्या होती है, नाशपाती आकार की, जिसको अंड कोशिका कहते हैं, और शेष दो दाएं बाएं भाग में जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा निभाग छोर की तरफ भ्रूण कोष में तीन कोशिकाएं, निभाग छोर, ये जो निभाग छोर है ये वाला, इस निभाग छोर की ओर तीन प्रमुख कोशिकाएं होती है, प्रतिमुखी कोशिकाएं, उल्टी लटकी हुई विपरीत दिशा में जाती हुई तीन प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती है। भ्रूण कोष के मध्य में केंद्रक होता है, केंद्रीय कोशिका उपस्थित होती है। इसके अलावा दो अग्रणी ध्रुवीय केंद्रक उपस्थित होते हैं, एक तो बिल्कुल केंद्रीय कोशिका होती है जो बिल्कुल केंद्रक होता है वो, और दो अग्रणी अध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो निषेचन से ठीक पूर्व संयुक्त होकर के जुड़ करके क्या करते हैं, द्विगुणित द्वितीय के उसका केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार हमारी ये क्या हो जाती है, बीजांड की जो संरचना है वो आ जाती है। इस बीजांड की संरचना में कोई मिस्टेक हो, कोई गलती हो, या कोई आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जरूर बताएं। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे बीजांड के जो प्रकार है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना सकते हैं। इसके तीसरा पार्ट हम कल अपलोड करेंगे। तो आपको कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। धन्यवाद।